जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं समित पीर साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अक्सर टीवी पे, सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं। समित साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक नमस्कार जी मसाब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। यू जी। आज जो डिस्कशन करनी है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने जी नरेंद्र मोदी साहब को कॉल की, और जी बेसिकली जो रीड आउट मैंने देखा है व्हाइट हाउस पे भी और मीडिया ने भी दिखाया है वो ओवरऑल तो बड़ा पॉजिटिव रीड आउट है फॉर इंडिया। तो जी लेकिन जिसमें वो डिस्कशन करते हैं कि हमें COVID-19 को कैसे डील करना है, और पार्टनरशिप की बात करनी है, ग्लोबल इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है, और दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी को जो है वो उसके मसले को भी हल करना है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी इंडो पैसिफिक जो कि एक नई चीज है, जारी बात है, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं उसके ऊपर भी काफी काम करना है, और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं। बिल्कुल लेकिन सही इसके साथ साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और नॉर्म्स की बात की है और जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की है। बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब को बेसिकली वो ये जो तहरीक चल रही है इस वक्त इंडिया के अंदर या जो मीडिया कहीं दबाया जाता है तो उस हवाले से डिस्कशन है, ये मैं उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ समित साहब, हाउ डू यू सी दिस इंडिया यूएस रिलेशंस पर्टिकुलरली नेक्स्ट 4 ईयर्स का आप क्या जी देखते हैं, माजी को देख के और फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, आइंदा 4 साल भारत के लिए कैसे होंगे? देखिए चीमा साहब, आपकी एक खसूसियत है, एक सवाल में 5-6 सवाल अंदर डाल देते हैं। वो अब्दुल कादिर साहब की गुगली होती है और आपके सवालों में ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा मैं आता हूँ सर। देखिए कल हमारे मीडिया पे भी इस पे डिस्कशन था और मैं भी कल काफी चैनल्स पे गया था इस चीज को लेके, क्योंकि देखिए ये जो चीज हुई है, अब आपको इसको जियो पोलिटिकल जो सुनारियोज हुए हैं उनके मद्देनजर उनके उनके इन बिटवीन रख के देखना पड़ेगा। पहली बात जो हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई देखिए द डेमोक्रेसीज हैव टू कम टुगेदर। यूएस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो दो डेमोक्रेसियों का आमने सामने आना, एक तालमेल बैठना, एक टैंगो होना, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत वेलकम स्टेप है। उन्होंने एक और चीज भी कही, भाई देखिए जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको खतरा है, और ये खतरा अब बहुत क्लियरली हो गया है। अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी को मिलकर काम कर रहा, और उन्होंने एक और चीज बोली लाइक माइंडेड कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज का यहाँ मतलब है चीमा साहब जो और भी डेमोक्रेसीज इनको साथ आना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज जो इसमें जो एक हिंट हमें आता है कि जो अब इन डेमोक्रेसीज को सबसे बड़ी सबसे पुरानी और लाइक माइंडेड इनको खतरा किससे, खतरा सीधा सीधा चाइना से है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो खतरा है वो बिल्कुल क्लियर है, जो बिल्कुल उनके अग्रेसिव प्लान है दुनिया को लेकर वो भी क्लियर है, क्योंकि अब ये एक मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड नहीं, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ही आप हम डिस्कस कर लेते हैं, ये खुद बाइडन साहब कह रहे हैं। दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि इसमें यूएस की जो चाइना के प्रति पॉलिसी है वो बदली नहीं है, वो मोर ओवर सेम है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा एक स्टेप ऊपर ही गए हैं बाइडन साहब। उसके 3 कारण है, थियोडोर रोजोवेल्ट ऑलरेडी आपके फिलीपींस के वाटर्स में है, रोनाल्ड रेगन ऑलरेडी फिलीपींस के वाटर है, 3 दिन पहले उन्होंने निमिट्स जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको साउथ चाइना सी में लाया। उन्होंने एक बात बोली कि भाई फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और ये जो निमिट्स आया आप जानते हो चीना साहब, इट कम्स विद स्ट्राइक ग्रुप जिसे कहते हैं, या बैटल ग्रुप जिसमें कई सारे सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेटर्स, रिकॉग्निशंस एयरपोर्ट, ये 20-30 मतलब जहाजों का, और उसका एक समूह चलता है, एक ग्रुप चलता है जिसे एक स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। तो ये सब यहाँ पे आया था और उन्होंने ये आया। तो इसमें एक चीज समझने की ये कि जो साउथ चाइना सी है इससे इस पे $3.35 ट्रिलियन का बिजनेस राइड करता है चाइना का, 3.35 ट्रिलियन। अगर ये 3.35 ट्रिलियन चाइना की इकोनॉमी से हट जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। अगर अब यूएस इस मीटिंग से पहले, इस डिस्कशन से पहले अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो जिसमें यूएस निमिट्स सबसे बड़ा है उसको चाइना, साउथ चाइना सी की तरफ रवाना करता है, और आपको याद होगा चीमा साहब पीछे चाइनीज मीडिया ने काफी खबरें उड़ाई थी भाई जो कोरोना के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे हो गए, इसी एयरक्राफ्ट कैरियर में 1,000 लोग इन्फेक्ट हो गए थे कोरोना से निमिट्स में, अब उनको बिल्कुल ठीक कर दिया गया। तो एक मैसेज ये भी दिया गया कि भाई नहीं, यूएस इज रेडी फॉर बिजनेस, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर आर फुली ऑपरेशनल एंड रनिंग, और ये जो स्ट्राइक ग्रुप्स भेजे, और एक एक तो यूएस जॉनसन करके जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर है फ्रिगेटर जिसमें बहुत एडवांस मिसाइल सिस्टम है वो भी यहाँ भेजा गया था। तो ये हम जो देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई जो चाइना के प्रति पॉलिसी है वो बदली नहीं है यूएस की, ट्रंप साहब से बाइडन साहब से पॉलिसी नहीं बदली, उसके बाद बात करना। पहले
पहले एक्शन उसके बाद टॉक, या तो कई बार ऐसा होता है ना पॉलिटिक्स में कि भी आप टॉक तो कर लो, एक्शन होता ही, पहले हमें एक्शन देखा गया फिर टॉक देखा गया। फिर जैसे अब टेररिज्म की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, इंडिया हैज नॉट मूव्ड आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, आपको पता होगा। फिर यहाँ बात हुई नेविगेशन की, डेमोक्रेसीज की, इकोनॉमी को रिबिल्ड करने की, कोविड से लड़ने की। तो ओवरऑल देखा जाए इसमें एक बहुत बहुत पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा, और इसमें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी जो ट्रंप से बाइडन साहब तक आई है वो एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है, और उनके जो एक्शंस है दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बेसिकली वो जो व्हाइट हाउस का जो जो प्रेस रिलीज जो आई है, जो हमें बाद में वो देखने को मिला है, उसमें बेसिकली दे ऑल्सो स्पीक अबाउट म्यांमार। तो हाउ कम इंडिया एंड अमेरिका कैन हेल्प म्यांमार ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, क्योंकि या इसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर दूं, और ये कितना को आप समझते हैं कि ये चाइना की वजह से वहां पे ये मिलिट्री जनता आई है वहां पे? देखिए म्यांमार का अगर आप डिस्कशन देंगे चीमा से, हम तो इंडियन मीडिया बहुत नजदीक से देखते हैं, हमने कई डिस्कशन किए, इनफैक्ट मैं भी बहुत सारे डिबेटों पे गया हूँ म्यांमार पे। अभी दो दिन पहले, जब ये दो चार दिन पहले कू की बात हुई तो मैं डिबेट्स पे था। देखिए म्यांमार को अगर आप देखें, जो रायसेना प्रोविंस है, राइकिन्स प्रोविंस विच इज बॉर्डरिंग इंडिया, वहां पे चाइना ने अराकांस आर्मी, जो अराकांस आर्मी अब 10,000 स्ट्रॉन्ग मलेशिया, उनके पास अल्ट्रा मॉडर्न वेपन सिस्टम्स चाइना ने दिए। ये पीछे है 99% फंडिंग उनकी जी चाइना कर रहा है। अभी आपने ये भी पीछे पड़ा होगा, दो महीने पहले जब कोविड पीक में था तो यूएस के पैराट्रूपर्स, सॉरी म्यांमार के पैराट्रूपर्स, वो इस एरिया को के अंदर उन्होंने घुसने की कोशिश की, उनका कमांडर मारा गया और उसकी वीडियो अराकांस आर्मी ने अपलोड की थी। तो एक जो काउंटर बैलेंस था, और एक उन्होंने अराकांस आर्मी को डालते बफर जोन बनाया इंडिया और म्यांमार के बीच, क्योंकि ये जो राइकसेन प्रोविंस है ये इंडिया को बॉर्डर करती है, यहाँ अराकांस आर्मी का अच्छा खासा दबदबा है, तो एक बफर चाइना ने बनाया, इनको पूरा फंड किया। अब चाइना ने, अभी जी जिनपिंग साहब जनवरी में आपको याद होगा वो गए थे अंशु जी से मिलने, ये जो एयरपोर्ट, ये जो पोर्ट की बात करें कलापारू पोर्ट, जिसमें वो कह रहे थे जी 8 बिलियन लगेंगे, तो मैडम ने बोला था आप 1 बिलियन में बना सकते हो तो बनाइए, अदरवाइज हम इंटरेस्टेड नहीं, हमें चाइनीज डेट ट्रैप इसमें दिख रहा। हमने इस पे डिबेट किया था चीमा साहब करीब 4 महीने पहले, मैंने तभी बोला था अराकांस आर्मी को डालने का मतलब ये काउंटर बैलेंस, वो अनसुंची से भी बात करेंगे और मिलिट्री से भी बात करेंगे। अब जो उनकी बात मान ले, अगर नहीं मानते हो तो देखो भैया ये मेरे यहाँ पे लोग बैठे हैं, फिर आप देख लेना क्या होता। तो जब मैडम इज नॉट वॉकिंग द टॉक ऑफ चाइनीज, जब उन्होंने चाइनीज का बात मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने मिलिट्री को खड़ा कर दिया। मिलिट्री की भी ये मजबूरी है कि उन्हें पता अराकांस आर्मी है, फुली फंडेड बाय चाइना, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो कू हुआ है म्यांमार में, इसका कहीं ना कहीं चाइना से लेना देना डायरेक्ट है। और जो हमारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो म्यांमार के थ्रू जाता है, वो रुकता है। अगर म्यांमार में चाइनीज सपोर्टिंग गवर्नमेंट आती, जो कल्पतरू पोर्ट है, कल्पायू पोर्ट, एक्सक्यूज मी प्रोनाउंसिएशन, मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा उनकी तरह, उससे उनको बे ऑफ वाटर, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिलता है, उस पोर्ट के थ्रू वो अपना जो एनर्जी आती है चाइना में, देखें रिराउटेड, अभी उनकी डिपेंडेंस है मलाका स्ट्रीट्स पे विच इज हेवीली फोर्टिफाइड, देखें रिराउट देयर एनर्जी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, और इससे एक और बहुत बड़ी चीज होती है, हमने ऑलरेडी बात कर रहे थे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के थ्रू ऑफ रोड, जो इंडिया ने ऑलरेडी इनिशिएट किया। अगर म्यांमार को आप निकाले चीमा साहब इस सारे गेम से, तो वो जो संभावना है, so India's access to South China Sea will be permanently stopped the moment you take Myanmar out. तो म्यांमार को हटाने से या म्यांमार में अपना कंट्रोल रखने से चाइना के कई सारे फायदे, बे ऑफ बंगाल वाला पोर्ट है, इंडिया का एक्सेस रुक जाता है आपको, हम साउथ चाइना सी तक कभी नहीं पहुंच पाते, कालादान मल्टी मॉडल जो हाई जो हमारा है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, मल्टी मॉडल का ट्रांसपोर्ट उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो कई सारी चीजें हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा जो एनालिसिस कहती है, जो चीजें बता रही है कि इसमें चाइना का हाथ है। और मैंने ये कल हमारे एक न्यूज चैनल है उसमें मैंने ये भी बोला था कि ये जरूर, तब तक ये प्रेस रिलीज नहीं आई थी चीमा साहब, तो मैंने कहा जरूर म्यांमार का जो कू है वो भी डिस्कस किया जाएगा, बिकॉज इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का लेना देना है, और ये इंडिया को एनसर्कल करने की एक और कोशिश जो चाइना की है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे हम कहते हैं, ये उसी के अंतर्गत किया गया। तो ये हमारे लिए एक कंसर्न या हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज तो जरूर है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये म्यांमार के पॉइंट पे अच्छा आपने एनालिसिस किया समित साहब। लेकिन एक और अहम बात करना चाहता हूँ, वो इस डिस्कशन में जो रीड आउट आया उसमें
जिसे आप बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक की बात ही, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और अभी कल ही मैं देख रहा था कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो जापानीज, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब को दे रहा है, क्योंकि 2007 में सबसे पहले उन्होंने आइडिया ये इंडिया की पार्लियामेंट में डिस्कस किया था, उसके बाद फिर अमरीका ने किया। तो खैर मैंने इसके ऊपर एक वैसे रिसर्च पेपर भी लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो है थोड़ी सी मैं डोमेस्टिक उसको एंगल देना चाहता हूँ। इंडियन नेवी जो है, जो इंट्रा सर्विसेज जो टसल चल रही है, जिसमें जब से बिपिन रावत साहब जो है वो CDS आए हैं, वो थोड़ा सा वो एक फौजी है, वो आर्मी के बंदे हैं, नेवी को वो अहमियत नहीं मिल रही और नेवी को फंडिंग भी नहीं मिल रही उनको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वो पैसा, वो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है कि हम ये हमें दें वो दें, तो वो उनको फंडिंग भी नहीं हो रही उस तरह। सो हाउ डू यू सी कि जो इंडियन आर्मी है उसका इन्फ्लुएंस किस तरह बाकी सर्विसेज में भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी इंडो पैसिफिक में परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बिकॉज इंडो पैसिफिक में तो आपकी नेवी चाहिए, फौज तो नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ, मैं ये भी आपसे थोड़ा अगर काइंडली देखिए चीमा साहब, ये जो इंडो पैसिफिक था ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुरू किया था, पैसिफिक कमांड को रिनेम किया गया था इंडो पैसिफिक। और कल अगर आप देखेंगे बाइडेन साहब ने क्वाड को फॉर्मलाइज करने की बात भी की कि क्वाड हैज टू बी फॉर्मलाइज अगेन, +2+2 पीछे हुआ था डिस्कशन जहां माइक पोम्पियो साहब आए थे जस्ट बिफोर ही वेंट आउट। तो ये जो चीजें हो रही ये हो रही, अगर आप देखें, अगर आप हमारे नेवी का अगर आप देखें, अगर आप पिछले 6 महीने से इंडियन मीडिया ही देखे, सर 7 फ्रिगेटर, 4 सबमरीन और उससे कहीं ज्यादा छोटे बड़े जहाज, बोट्स वगैरह, वो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं, क्योंकि मजगांव जो हमारा शिप बिल्डिंग डॉक है उसमें काफी प्रोडक्शन इंडिजिनियस हो रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर का जो तीसरा, उसका भी बजट अलोकेट हो चुका है। इनफैक्ट अभी जो इंडियन नेवी है दैट इज रेटेड मच पावरफुल देन इवन नेटो नेवी पुट टुगेदर। इसीलिए जो क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होगा या कॉन्ट्रीब्यूटर होगा वो इंडियन नेवी को, और चाइनीज नेवी और इंडियन नेवी का तो मुकाबला नहीं, इंडियन नेवी इज मच अहेड देन चाइनीज नेवी। अभी उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो डालियान में चला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ऐसा कोई भी ये नहीं है कि नेवी को बजट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। जितना नेवी में मॉडर्नाइजेशन हो रहा, अभी हमने MiG-29 नेवी में डिप्लॉय किए, ब्रह्मोस का सी वर्जन डिप्लॉय किया, शौर्य का सी वर्जन हमने डिप्लॉय किया, तो मैं आपको गिना सकता हूँ ऐसी कई चीजें हो रही है। बट ये जो अब जो CDS साहब बने उनका मिशन है तीनों फोर्सेस को टैंडम में लाना और काम करना। देखिए राफेल भी ला रहे हैं, फ्रिगेटर भी ला रहे हैं, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा, तो सारी चीजें एक साथ हो रही है और इसमें कोई बजट या किसी चीज की कोई कमी नहीं। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा न्यूज में आया पीछे चीमा साहब, वो है कि नेवी को नया इक्विपमेंट कितना मिल रहा है। एयरफोर्स में तो देखिए राफेल ही आया, कोई बहुत और कोई आया नहीं, क्योंकि एयरफोर्स में आप जहाज ही ला सकते हैं। अब नेवी में फ्रॉम यू नो होवरक्राफ्ट टू रिकॉग्नाइजेंस एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट टू अवैक्स टू फ्रीगेटर्स टू सबमरीन्स टू डिस्ट्रॉयर्स टू एयरक्राफ्ट, यू कैन ब्रिंग ए होस्ट ऑफ थिंग्स Which you cannot bring in airforce. Airforce में तो बैटल जहाज आ गया जी या ट्रांसपोर्टर आ गया, दो ही ऑप्शन है। तो ऐसी बहुत सी चीजें नेवी में हो रही है, अगर आप मीडिया देख रहे होंगे तो ऐसी कोई बात है नहीं। चले ठीक है, लेट्स होप के व्हाटएवर द इंडियन गवर्नमेंट एंड CDS डिसाइड दिस इज गुड फॉर इंडिया। अभी जो इसी समित पीर साहब, जो इसी जो प्रेस रिलीज है उसका जो सेकेंड पोर्शन है, दैट इज वो तकरीबन आधा पोर्शन मैं आपको कह लो, ठीक है, आधा पोर्शन तो क्वाड और इंडो पैसिफिक और वो सारा उस पर बात करता है, लेकिन जो आधा पोर्शन है इट स्पीक अबाउट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड द नॉर्म्स। सो ये मैं बात पूछना चाहता हूं कि आप कैसे समझते हैं कि पिछले कुछ 6-7 साल से जब से मोदी साहब ऑफिस में आए हैं, ये एक ओवरऑल जनरल क्वेश्चन बनता जा रहा है कि इंडिया का जो जो एक दाएं बाजू की जो हिंदू नेशनलिज्म है, इसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं दाएं बाजू की मजहबी हिंदू इंतहा पसंदी जो है वो बढ़ रही है। हाउ डू यू सी दिस, एंड पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई टफ वर्ड इतना इस्तेमाल नहीं किया, बट देर इज अ क्वेश्चन मार्क अ लॉट ऑन दिस कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज अगर आपने चाइना को डील करना है तो फिर आपके पास भी तो कोई प्लेट में कुछ होना चाहिए ना। तो जरा काइंडली इस पर थोड़ा सा एनलाइटन कीजिएगा। देखिए चीमा साहब, देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो भी हिस्ट्री रही है तो उसमें हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान में कुछ गलत परसेप्शन बना, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो मजहब के आधार पर नहीं होता, हर एक का एक वोट है, ठीक है जी। जब आरोग्य सेतु मिलता हर एक को मिलता, आयुष्मान भारत मिलता हर एक को मिलता, गैस का सिलेंडर मिलता हर एक को मिलता,
किसान सम्मान निधि हर एक को मिलती है, इंश्योरेंस जो हमने लाए हैं अभी आयुष्मान भारत वो हर एक को मिलता, उज्ज्वला हो प्रज्वला हो, ये हर एक अक्रॉस द कंट्री मिलती है। आपका कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या, आप किस चीज को मानते नहीं मानते, उसका कोई फर्क नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको हिंदू राइट विंग वगैरह के नाम दिए हैं, वो उनके पोलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। बट अभी देखिए हमारे यहाँ क्या है, आप देखिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई फार्म लॉ को फिलहाल सस्पेंड कर लो, गवर्नमेंट ने माना। हम कोई एक स्टेट गवर्नमेंट में आप देखते कि इलेक्शन होते तो भाई ये कुछ एमएलए यहाँ चले जाते, कुछ एमएलए वहां चले जाते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलता है। कोई भी बड़ा डिसीजन जो होता है सुप्रीम कोर्ट में जाता, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे इतनी क्षमता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन को भी ओवरटर्न कर ले, इससे बड़ा डेमोक्रेसी का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्योंकि देखिए दो 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 पिलर है डेमोक्रेसी में, एक है जुडिशरी, एक है एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव की पावर है और जुडिशरी उसको ओवर रूल कर पा रहा है, तो जो डेमोक्रेटिक पैरामीटर है उस पर वो बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी जितनी हमारे लिए जरूरी है चीमा साहब, उतनी आपके लिए भी जरूरी है। डेमोक्रेसी हर कंट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अब भी तो डेमोक्रेसी है ना, इलेक्शन होते हैं, सब होते हैं। चले वहां क्या होता है, कुछ लोग आरोप लगाते, कुछ कहते भाई रिग था, कुछ कहते नियाजी साहब तो मिलिट्री ने बनाया, वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अभी ये है कि अगर जुडिशरी की पावर इज टू ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दिस इटसेल्फ मींस दैट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर फुली फंक्शनल। आप हमारे अब देखिए हमारे भला अगर हम रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन देखें तो हर तरह के लोग ऊपर आए हैं, हमारे आर्मी में, हमारे फौज में, हमारे सिस्टम्स में, मिनिस्ट्रीज में, आईएएस में, आईपीएस में। तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि जहां ऑटोक्रेटिक टेक ओवर ना हो। अगर कल को ऐसी परिस्थिति आए कि भाई जो अब सरकार ने बोल दिया वो लास्ट वर्ड, आगे कुछ नहीं हो सकता, तब मैं आपकी बात से सहमत करूंगा भाई कोई खतरा है। जैसे यूएस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, ये जो सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है अपने लिए काम करते हैं। स्टेट को देखिए, सेंटर में किसी की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी की गवर्नमेंट है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। अभी तो हमने 1,40,000 करोड़ का जीएसटी, 1,40,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया है, शायद मेरी फिगर ध्यान नहीं, शायद यही है। तो ये ऑल टाइम हुआ, ये सारे स्टेट कलेक्ट करते सेंटर में देते। तो ये जो डेमोक्रेसी का चल रहा, आपका पॉलिटिकल विचारधारा, पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, मैं आपसे सहमत ना हो, आप मेरे से सहमत ना हो, वो चलता रहता है। देखिए डेमोक्रेसी वो सब चलता रहेगा, बट इंस्टीट्यूशन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, तंत्र चल रहा है, डिलीवर हो रहा, वो सब डिलीवर हो रहा है सर। चलिए आप ये कह रहे हैं कि लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह और ये कहा भी जाता है और मिसालें भी हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले किए, कुछ पुराने जजों ने बाद में उनको राज्यसभा में सीटें दे दी गई और फिर उनको बेसिकली बीजेपी नवाजती है ऐसे फैसले साजी करने में जिससे उनको फायदा हो। चले ये चलता ही पूरी दुनिया में होता, मैं इसको नहीं करता, कोई बात नहीं, खैर है वो। मैं आपसे सहमत नहीं होगा, कभी इस पर डिस्कशन करेंगे, खूब अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे इसी मुद्दे पे। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ इशारा कर रहे हैं, पर वो वैसी बात नहीं सर। देखिए वो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो 135 साल कोर्ट में रहा है, वो 500 साल से लड़ा जा रहा था। इसमें जो डिसीजन हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिए हुए सबूतों पे हुआ, किसी का परसेप्शन नहीं था, किसी का ये नहीं था हाँ जी मुझे ऐसा लगता है। सो एनीवे वो दूसरा मुद्दा कभी उस पर भी करेंगे हम जी। नहीं मैं इसमें थोड़ा सा बाकी जो डिस्कशन है वो जब वैल्यूज की बात आती है, डेमोक्रेटिक कल्चर की बात आती है, फ्रेंकली स्पीकिंग अभी मैंने आपकी डेमोक्रेसी हमसे अच्छी है। देखिए मैं अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट का सर्वे देख रहा था जो उनके इंटेलिजेंस यूनिट का था, वो पाकिस्तान को कह रहे थे जी ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी, आपको कह रहे थे फ्लॉड डेमोक्रेसी। सो हम हमारे यहाँ ज्यादा चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी को, दिस इज व्हाट आई फोरसी। मैं आपको तनकीद करते हुए ये नहीं कहूंगा कि मैंने आपको तनकीद करनी, आई विल क्रिटिसाइज माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज मैं नहीं करूंगा तो आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस। मैं कोई आपको ग्रिल तो नहीं कर रहा, आई एम स्पीकिंग अबाउट के व्हाट इज राइट। तो मैंने खुद भी उसमें एक वीडियो भी बनाई थी कि हमारी अपनी जमहूरियत की हालत क्या है, और इंडिया इतनी बड़ी जमहूरियत है और वहां पे भी चैलेंजेस हैं। लेकिन तकरीबन मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा समित साहब जी, कि जो ये फॉर्म लॉज हैं या जिस तरह मीडिया को, मीडिया के अंदर एक टर्म आ गई गोदी मीडिया, कि अब तो मीडिया क्रिटिसाइज ही नहीं करता नरेंद्र मोदी साहब को, और मीडिया जो है वो खुद ही जो जिसे कहते हैं ना उनको उनको प्लेट में डाल के दे रहा है, भाई जो मर्जी बोलो हम नहीं कहेंगे, तो डेफिनेटली इट अंडरमाइंस वो बाकी सबकी आवाजों की, और खास करके कश्मीर की स्ट्रगल के हवाले से तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये किसानों की स्ट्रगल के अंदर जिस तरह मीडिया ने किसानों को पोर्ट्रे किया, डोंट यू थिंक दिस इज द डोमिनेंस ऑफ अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट
कि वो इतने ताकत में आ गए हैं कि वो बेसिकली व्हाट एवर द से इज लॉ एंड हाउ एवर द ड्रैग इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट हेल्प देम टू मेक सिस्टम. सो दिस इज वेयर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज कम इन, के वो अदारे पावरफुल नहीं है. बाकी आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं. देखिए चीमा साहब, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है. इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी माना गया और हम इसके बिल्कुल कायल हैं. हम इसका बिल्कुल 100% वी एग्री विद इट. अब आप देखिए, हमारा कोई भी न्यूज चैनल उठा के देखिए साहब, जितनी जितनी मैं लिटरली बोलूंगा, जितनी बद कलामी हमारे न्यूज चैनलों पे प्राइम मिनिस्टर को हो, होम मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ होती, नेशनल मीडिया पे होती है, खुल के होती. और हम कहें यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, किसानों ने जो किया, नेता घूम रहे, हम कहें यहाँ डेमोक्रेसी नहीं. आप भी कई बार चैनलों पे आए, मेरे साथ भी आए कई बार, आपको भी जो कहना खुल के बोलते, दिल खोल के बोलते, टेंशन नहीं है आपको. हमारे यहाँ के कितने लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कुछ भी बोल देते हैं, न्यूज पे अपोजिशन के लीडर बोल देते. वो नीड मीडिया हमारा 9 बजे प्राइम टाइम पे चलाता, करोड़ों लोग देखते हैं और हम कहीं डेमोक्रेसी नहीं है साहब. अगर ये डेमोक्रेसी नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं कहा है. मैं आपको बोलूंगा, जहां जितना हमारे होता ना उसका 1% रहिए चीमा साहब, 1% चाइना में कोई बोल के दे, वो अगले बार दिखेगा नहीं, वो उसका लास्ट इंटरव्यू होगा. ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है. अब देखिए लोगों के, अब जो पॉलिटिकली आप किसी को काउंटर कर नहीं पाते तो आप क्या बोलते हैं, हाँ जी ये कोती मीडिया है. आप जुमले तराशते हैं, वो तनकीद गसते हैं और उससे कहते भाई उससे लोग हो जाए. पर एक बार बताइए मुझे, अगर मीडिया कंपनियां, मीडिया के हमारे अदारे जो खुले आम, आप ही आते हैं, मैं भी जाता हूं, खुले आम आप 9 बजे बैठ के लाइव टीवी पे मोदी जी के बारे में कुछ बोलिए, अमित शाह जी के बारे में बोलिए, एक्स वाई जेड के बारे में बोलिए, और वो चला रहे हैं, तो इससे ज्यादा डेमोक्रेसी सर किसी कंट्री में संभव नहीं है. जितने हमारे यहाँ डिबेट होती ना चीमा साहब, यूएस उठा के देखिए, इतनी डिबेट तो वहां भी नहीं होती, इतने पैनलिस्ट तो वहां भी नहीं बैठते. और अगर आपको बुलाया जाता पाकिस्तान से, देखिए आप पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे, मैं इंडिया का रखूंगा, तो अगर आपको बुलाया जाए, चाइना से लोगों को बुलाया जा रहा है. एक बार हम रामायण पे एक डिबेट कर रहे थे, चैनल पे नाम नहीं लूंगा, वो ठीक नहीं होगा, तो हमने करीब 18 कंट्रियों से वेरियस लोगों को बुलाया और उनसे उनसे डिबेट की. रोज हम आज हम डिबेट करते हैं, कोई यूएस से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई हमारे सीरिया से एक पैनलिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं. तो अगर उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे, खुला प्लेटफॉर्म दे रहे, सीमा जी आपको दे रहे हैं, आपके यहाँ से बहुत लोग आते हैं, आप नाम जानते हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं. और ये लाइव है सर, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, आप बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो इससे ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं. और मीडिया हमारे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं है, हमें गर्व है हमारे मीडिया पे, दोनों साइड दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, सच भी दिखाएंगे, झूठ भी दिखाएंगे. अब चीमा जी आप भी ये जानते हैं कि आप और हम चाहे कितनी भी बात कर ली टीवी पे, ना आप मुझे हरा सकते हैं ना मैं आपको जिता सकता हूं, बट ये जो हमारे डिस्कशन है ना सर, ये जो जनता जनार्दन देखती है ना, जो पब्लिक देखती है, दे मेक देयर ओपिनियन. आप ये हमारा कोई क्लोज रूम में डिस्कशन तो हो नहीं रहा कि जी मैं जीत गया आप जीत गए. मैं कई बार अपने पैलेस को भी कहता हूँ, भाई आप हमें कुछ भी कहें, हम आपको कुछ भी कहें, उसका फर्क नहीं पड़ता. ये जो करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं अभी और जो बाद में YouTube पे चलेगा, इंटरनेशनली लोग देखेंगे, दे मेक देयर ओपिनियन. हाउ इज दैट ओपिनियन शेप्ड आउट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मीडिया. गिव बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को लेट पीपल डिसाइड. बिल्कुल. मैं आखिरी एक सवाल इसमें अभी कर लेता हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, ट्रंप साहब तो जो है वो कह रहे थे कि जी मैं नेगोशिएशन करा दूंगा, मैं दोनों मुल्कों को बिठा दूंगा, कश्मीर दिस एंड दैट. सो हाउ मच डू यू थिंक के, जारी बात है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहना तो है कि जी पाकिस्तान और इंडिया अपने मामला ठीक करें और कश्मीर के ऊपर, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिस्पॉन्स. और दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से इन्विटेशन तो नहीं, ऑफर भी है डायलॉग की. अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर हियर टू टॉक टू इंडिया, अगर वो 370 रिवर्स करें, सो एंड सो. सो कोई इंडिया प्रेशर लेगा अमरीका का? देखिए सर, लास्ट टाइम जब नेगोशिएशन की बात थी तो क्लियरली इमीडिएटली हमारे एमईए ने उसको नकार दिया था, एंड ट्रंप एग्री टू इट. प्रेजिडेंट ट्रंप सर ओके, लेट दे सेटल इट, आप आपस में बात करके जो भी आपके मसले गिले शिकवे उन्हें दूर कीजिए. जहां तक बातचीत की बात रहती है, देखिए 370 तो नहीं हट सकता चीमा साहब, ये तो बिल्कुल क्लियर एक्सप्लिसिट है. अब टेररिज्म रुके तो बातचीत हो, 370 तो नहीं हटेगा. ये हमारे मैं नहीं कह रहा, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी, मेरे कहने से अगेन कुछ नहीं होता. तो अगर टेररिज्म रुके तो बातचीत, उसकी गिले शिकवे जो भी आपस में बैठ के कुछ ना कुछ निकल सकता, कुछ समाधान निकल सकता. पर जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगा, अगर आप 370 को एक बेंचमार्क रख रहे हैं तो इसका मतलब आप डिस्कशन तो करेंगे ही नहीं, वो तो हटने से रहा, वो तो इम्पॉसिबल है हटना. तो अगर ये परिस्थिति बन रही है तो नियाजी साहब को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी पोजीशन को रिकनसाइल करें. जियोपॉलिटिक्स जो बदल रही उसको देखें, जो चीजें हो रही, देखिए जियोपॉलिटिक्स जो 6 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, चीमा साहब आप एक एनालिस्ट है, आप भी समझते हैं, वो अब नहीं है. और इट इज फास्ट चेंजिंग, बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बदल रही है.
अब इस नए दौर में अलाइनमेंट्स काउंटर अलाइनमेंट्स और अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे चलाया जाए, ये बहुत बड़ी चीज जो है सामने निकल के आ रही है। और हर दानिशमंद सियासतदान को ये चाहिए मेरे हिसाब से कि जो बदलती हुई हवा है इसके हिसाब से जो अपना वोट है उसके जो मास्क होते हैं ना उनका डायरेक्शन इधर करे उधर करे जैसे भी करे, बट देखिए आगे बढ़ना है। मैं तो एक चीज चाहूंगा साहब, देखिए मैं ये अब भी मानता हूँ पाकिस्तान भी काफी हद तक एक डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी और इकोनॉमी पे फोकस किया जाए अगले 30 साल यू जस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी सब चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कई बार ये भी कैच कर न्यूज चैनल्स पे पाकिस्तान नीड्स अ मोदी एंड देयर इज नो मोदी राइट नाउ, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ये मेरा कहना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। और ये मैं आपके नहीं आपके चैनल पे नहीं हमारे नेशनल मीडिया चैनल्स पे कई बार प्राइम टाइम पे कह चुका हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है। क्योंकि अभी डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात की जाए सर, बाकी गिले शिकवे होते रहेंगे, ये चलता रहेगा। इट शुड नॉट बी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ दिस, लेट्स बिल्ड बेटर फ्यूचर फॉर आवर पीपल, दैट शुड बी द मोटिव। एब्सोल्युटली एग्री विद यू, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ इसमें समझ पीर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग माय व्यूअर्स एंड माय सेल्फ फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन, और इंशाल्लाह बात जारी रहेगी आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।